कोई आज आ गया मेरा सीधा, तो जिस फ्रेंड ने किया है उससे भी मिलवाऊंगी, मतलब ऑर्गेनाइज आप लोगों को भी दिखाती हूँ, साथ साथ हम भी देखते हैं कि क्या क्या आया है। सॉफ्ट सॉफ्ट ये अनगी तो बेचारा इन पे ही उतर रहा है, चढ़ रहा है, क्योंकि बड़ों के ज्यादा है, छोटे के है नहीं। पाइनएप्पल रायता और ये है शाही पनीर। भाई और भाभी आए थे, आज हमारा था होली सेलिब्रेशन। होली सेलिब्रेट करने के पहले ही फोन आ गया था भाई का, फिर मैंने इसको दिया था रोक कि मैं भाई अभी है हमारा होली का फंक्शन और उसके बाद मतलब हम उसके बाद ही आ जाना, क्योंकि यहीं से आना है भाई को। ये तो है नहीं कि कहीं दूर से आना है कि बहुत टाइम लगेगा, तो संडे को ही छुट्टी होती है उसकी भी। वो भी ये था कि संडे की वेट कर रहा था कि संडे को जाऊंगा। और हमारी होली रही बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और मेरी फ्रेंड्स ने भी बहुत इंजॉय किया। और ऑर्गेनाइज जिस फ्रेंड ने किया है उससे भी मिलवाऊंगी, मतलब ऑर्गेनाइज तो मिलके सबने किया है, लेकिन एक को क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसने पूरा संभाला है, खाने का भी, डेकोरेशन का भी, कि कहाँ से क्या होगा। मतलब बहुत अच्छा फंक्शन कर रखा था, डेकोरेशन भी आप लोगों ने देखी होगी कि बहुत अच्छी थी, और बच्चों ने खाने पीने का और मस्त मतलब बहुत इंजॉय किया। और अब मैंने मतलब सारा सामान, भाई और भाभी आ गए थे, वो खा पी के नहीं गए, क्योंकि वो मैं मॉल में गई थी ना, उसी मॉल में वो भी गए थे बच्चों को लेकर कि चलो बच्चों को घुमा लाते, तो वहीं पे खा पिया है वो। तो खाने पीने के बाद उनका कोई मन नहीं था, कुछ नहीं खाया पिया, हम बस बैठ के बातें करी हमने, और सामान रख दिया था मैंने यहाँ पर। अब आप लोगों को भी यही था कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि सीधे में क्या क्या आया है, तो इसलिए मैंने रात को ही वीडियो बना दी कि सुबह फिर स्कूल जाना है और क्या पता फिर मतलब भाई सारा सामान इधर उधर, बच्चे इधर उधर कर देंगे। तो मैं इनका पहले आप लोगों को भी दिखाती हूँ, साथ साथ हम भी देखते हैं कि क्या क्या आया है। तो इधर सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये अयान के हैं, अयान और निखिल की सेम सेम ड्रेस है, ये मेरे हैं, ये आपके हैं, और ऐसे ही अयान के सेम। और अयान के लिए तो ये भी आए हैं ब्लूमर, और ये नानी जी ने दी है इनकी बनियान दो तीन, अभी गर्मी आ रही है क्योंकि निखिल के पास बहुत सारी बनियान है। मम्मी ने पूछा था तो मैंने बोल दिया था कि मम्मी निखिल के पास बहुत ज़्यादा है तो उसका मत लेके आना। अयान के पास ये ब्लूमर भी नहीं थे क्योंकि मैं नहीं डालती, अभी छोटा है ना ये, तो इसको नहीं डालती, मम्मी ने भेज दिए ये कि अभी गर्मी भी आ रही है, अगर बच्चा ऐसे ही सोना हो उसको तो पहन के सॉफ्ट सॉफ्ट। ये अनगी यान बहुत हैप्पी हो रहा है, नानी को मिस कर रहा है, नानी को थैंक यू भी बोलना बनता है। और ये है इनकी ड्रेस सेम टू सेम, ये मेरी है, ये है यान, नीचे तो दिखा दो पैंट, दिखा दी ना, निकर है, दिखा दी मैंने निकर। और अब आ गया मेरे सूट की बारी, ये है नया सूट, ये मैं दिखाऊंगी आपको ओपन करके, ये ऑर्गेंजा में है। अरे ये तो कढ़ाई वाली सलवार है भाई, दिखाती हूँ अभी आपको ओपन करके। ये है गले पे वर्क, जो ये गले पे वर्क है ये वाला, और ये गले का वर्क है, और मैं दिखाती हूँ आपको, लगा के ही दिखा देती हूँ। सारी अलमारियां खोल रखी तुमने भी? नहीं नहीं क्या, नहीं क्या? ये देखो भाई मेरा सूट, ये तो प्लेन वाला है, प्लेन, अरे प्लेन वाला नहीं है ये, सही है, इसकी बॉटम ये वाली, अरे बेटा इधर है ना बॉटम, ये है बॉटम, मतलब क्या होता है सलवार,
और ये है मेरे पोंचे पे कढ़ाई। पोंचे पे सलवार के चल रहे हैं ना आजकल, तो ये पोंचे पे इसकी कढ़ाई सुंदर है, बहुत अच्छा लगा है। भाभी और मम्मी दोनों ही पसंद करके लाए हैं, अच्छी है, उसकी भी पसंद अच्छे होते हैं। अंशु की जो चॉइस है, मम्मी की भी बहुत अच्छी है। ये है इसकी चुन्नी, मेरी तरफ नहीं कर रखा, मैं दिख रही हूँ। और ये है इसकी चुन्नी, मेरा सुंदर सा सूट। और अभी देखो मैंने सबसे ज्यादा खोल खोल के अपना सूट दिखाया क्योंकि अपने सूट की रेट होती ही, घर से कैसा आएगा, खुश हो जाते हैं हमें ना। अब ये मम्मी देखा, और मेरा भी एक और शायद तीन सूट है। ये मम्मी जी का है, अरे आपकी दादी का भी कढ़ाई का है भाई। और ये चुन्नी है इस सूट की, मम्मी के हिसाब का ही है ये वाला, ऐसे है। ये है मसलीन का, कंट्रास्ट में चुन्नी मम्मी दे देती हैं, दो तीन जैसे मन करता है मम्मी को तो वैसे ही दे देती हैं। ये है ऐसे, और ये एक और सूट है मेरा, इस पे है ये वाली चुन्नी। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, मेरे घर वाले ना बहुत अच्छा देते हैं, मतलब अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ता वैसे तो अपनी बेटी को देने के लिए, जैसा होता है अपना उससे ज्यादा ही देते हैं, पर भी मेरे घर वाले बहुत अच्छा देते हैं। चलो जी बाय। और हम हैं यहाँ पर थेमिस मड हाउस, मैं और बच्चे आए हैं यहाँ पे, बच्चों को थोड़ा एंजॉय करना था। पेपर के बीच में ये था कि थोड़ा सा आउटिंग हो जाए इनको, कि पढ़ते पढ़ते थोड़े बोर हो गए थे, तो मैंने कहा घंटा दो घंटा हम वहाँ चलते हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ पर, दिखाती हूँ आपको कि कैसा है ये, कैसा खाने पीने का और कैसा है घूमने का। तो एंट्री तो बहुत ही अच्छी लग रही है। नमस्कार, वेलकम टू, थैंक यू, अच्छा है, आपकी एंट्री अच्छी है, अच्छा लग। और यहाँ पे एक LED है रेस्ट करने के लिए, अगर कोई बैठना चाहता है, यहाँ पे सोफे लगा रखे हैं। और ये बाहर का दिखा रहे कि क्या क्या इनके मड हाउस में, तो इसमें चल रही है ये इनकी, ये कितनी ग्रीनरी है, वाह। ये देखिए पेड़ों की एक वो बनी हुई है, बिल्कुल शेप, यू शेप बनी हुई है दोनों तरफ से। और इधर ये कॉटेज वगैरह है, पानी चल रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी बहुत सुंदर है। ये कुछ खाने पीने का, और ये बाहर टेबल वगैरह लगा रखी है कि नाइट में कुछ लग रहा है मुझे, नाइट में लाइटिंग वगैरह करके, और यहाँ पे आउटर में बाहर बैठने के लिए है। वेल फैमिली यहाँ पे स्टे के लिए लग रहा है कुछ। और यहाँ पे ले रहे हैं, मुझे तीन बोलते हैं इसको, तीन है जो, अरे और ये था झूला, इस पे मैं, ये पिंग बोलते हैं जो गांव में, तो ये झूला है यहाँ पर। निखिल तो बैठ गया था, एन नहीं बैठा, तो सही यहाँ पे हवा लग रही थी बढ़िया, मज़े आ रहे थे, और यहाँ फ़ोटो सेशन भी चल रहा था, मैंने निखिल ने एन ने फ़ोटो खींचे यहाँ बैठ कर, और ये लव की शेप बना रखी थी, इतने अच्छे फ़ोटो आ रहे थे यहाँ पर बहुत। और
और यहाँ पे ये मड वन वेलनेस है, इसके अंदर ना मसाज वगैरह और नाइट स्टे का है, बहुत अच्छा है। मतलब एक नाइट स्टे कर सकते हैं हम फुल्ली, स्विमिंग पूल वगैरह है अंदर, सब कुछ बहुत अच्छा है। अयान यहाँ बड़े झूले पे तो झूला नहीं, और यहाँ छोटे झूले पे चढ़ रहा है। ये थोड़ा डरपोक है तो इस पे ही चढ़ उतर रहा था। ये मैं इसकी बना रही थी वीडियो। और कितना सुंदर ये है चीकू का पेड़, देखो चीकू लगे हुए दिख रहे हैं, पूरे भरे हुए हैं चीकू में बिल्कुल। और पर ऐसे नहीं पकते, ये पकाना पड़ता है इनको पेड़ पे से, तो अभी तो टाइट टाइट से लग रहे हैं, पर पेड़ बिल्कुल भरा हुआ है चीकुओं में। अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। कितना सुंदर यहाँ पे ये जो खेत होते हैं ना, मतलब जोतते हैं शायद उसको, कि बोने के लिए ना कुछ बो रखे हैं, आलू वगैरह लग रहे हैं मुझे कि आलू लगा रखे हैं यहाँ पे इन्होंने। और साथ साथ में ये क्यारी कर रखी है चारों तरफ से ना बाउंड्री की, और कुछ ना कुछ यहाँ पे बो रखा है, पता नहीं क्या। मतलब अच्छा है इंजॉय करने के लिए, एक दिन के लिए आए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। और अंदर ये है इनका रेस्टोरेंट। इनका अंदर रेस्टोरेंट, अंदर दिखाती हूँ आपको खाना। ये पंखे वंखे चल रहे हैं, अभी गर्मी आ चुकी है। तो ये है इसका व्यू बाहर से। ये कोई कॉटेज सी है पुराने जमाने की, जैसे ये लैंप वगैरह होते थे ना, जब लाइटें नहीं होती थी तो तब ये ना लैंप होते थे, ऐसे लाइटें होती थी, लालटेन बोलते थे शायद इनको, लालटेन होते हैं ये। तो ये लालटेन टांग रखी है, पुराने ज़माने का वो दिखा रखा है कि कैसे पहले क्या क्या होते थे। और ये यहाँ पे एसी भी लगा रखा है वैसे तो। और ये है अंदर रेस्टोरेंट, ये है इसका बाहर से व्यू। और ये चेयर टेबल वगैरह अच्छे से लगा रखी हैं, और ये ना गोबर की खाद भी डाल रखी है यहाँ पे पेड़ों के नीचे। पूरा देसी स्टाइल होता है ना, जो देसी टाइप में वो है ये, ये बाहर बैठने का। और अंदर जाके दिखा रही हूँ अभी आपको। और यहाँ पे इन्होंने कुक वगैरह हैं इनका, वहाँ पे भी कुछ जो हमारा पुराने ज़माने के घर वगैरह होते थे उसी स्टाइल में बना रखा है सब कुछ। और वो क्या है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी दिखा रखी है, वो बैलगाड़ी है। तो ये पुरानी हांडियाँ वगैरह, चूल्हे हांडे प्लेट, ये जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन। और ये ना जैसे दरवाजे होते थे पुराने जमाने के, ये दरवाजे दिखा रखे हैं। और ये पीछे लाइटिंग, और मिट्टी से जो होते हैं ना दीवारें लेपते हैं, मतलब पोतते हैं जो वो दीवार। पहले हमारे भी घरों की जो कच्ची दीवारें होती थी ना मिट्टी से, गोबर से जो भी। और ये पाइनएप्पल रायता, और ये है शाही पनीर। खाना मंगवा लिया था हमने, शाही पनीर, नान, और देखिएगा क्या क्या ले रहे हैं। गांव की जो पहले ना मतलब व्हीकल होते नहीं थे, तो ये बैलगाड़ी होती थी खेतों में ले जाने के लिए, इसमें चारा वगैरह लेके आते थे। यहाँ पे दो बैल इसमें जुड़े होते थे, और यहाँ पे चारा और यहाँ पे बैठने की जगह होती थी। तो सारी वही चीज़ें हैं ये पुरानी। और ये है लालटेन, जब ना घरों में रोशनी नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो तब ये लालटेन जलाई जाती थी। ये वही पुरानी लालटेन है, हमने तो नहीं देखी अपने टाइम में, लेकिन बताइए पापा और ने तो हमने ये पहचान ली कि ये लालटेन है। अब ये चूल्हे चल रहे पूरे लीप रखे, आप ना खड़ा बनेगा, अच्छा चूल्हे पे बनाओगे,
अच्छा चूल्हे पे खाना बनाएंगे या आंटी? हेलो बोल दो। सिलबट्टा की चटनी। किसकी चटनी? सिलबट्टा की। अच्छा लहसुन की और मिर्च की? लहसुन और मिर्च की, वो लाल मिर्च होती है ना लहसुन की चटनी, सिलबट्टे पे। राम राम अंकल जी। और यहाँ बनाएंगे ये चूल्हे पे खाना। देखो इनके ये हारे भी है, ये हारे चूल्हे। और इसमें क्या चार रखते हो? हाँ जी चार अंदर सर। अच्छा चार। अच्छा आप यहीं के हो क्या? यहीं के। अच्छा अच्छा राजस्थान के। अच्छा अच्छा यही रहते हैं। ओके ये है, ये क्या है? ये आ रहे हैं क्या? चूल्हा है ये? चूल्हा है ये। अच्छा कोयला डाल के खाना बनाओगे इसमें। अच्छा और ये वैसे चूल्हे? अच्छा इसमें खाना बनाओगे आप चूल्हे पे? ठीक है। उधर आंटी उधर क्या है ये? अच्छा रूम है। ओके ठीक है, अभी रात को रुकना हो ना, नाइट स्टे करना हो तो ये वो वाला रूम है। ये सब रूम रूम है सर। अच्छा ये सब रूम है? 14 रूम है। 14 है। ओके ठीक। नंबर देखो बाहर से दिखाते हैं। क्लासिक किंग विला। और रूम का ये है नाम, और ये 202 है इसका रूम नंबर। और ये लाइट वैसे ही पुराने लीप पोत के वैसे कर रखे हैं। ये इन्होंने नाम लिखे हुए कि अंदर कौन कौन है, गोविंद एंड जानवी यहाँ पे मतलब जो होते हैं स्टे करने के लिए लोग, तो उनके लिए नाम लिख देते हैं। डिस्प्ले बोर्ड है इनका ये। भाई आए फुल मजे मजेदार। गांव के पेड़ों पे ना ऊंचे ऊंचे दोनों तरफ पान पे ढेर झूलाते थे, लेकिन ये है सिंपल वाली, खुद से ही झूल लो बैठ के कोई ना हो तो। अरे देखो अभी मेरी तरफ फेंको, मैं निखिल और हम आपस में खेल रहे हैं। मेरे को भी दिखाओ भाई है। अयान को दे रही हूँ। कितना साफ है, बिल्कुल साफ क्लियर वाटर है बिल्कुल। ये लो आपके पास आ रही है। चेयर और यहाँ पे कुछ फास्ट फूड का लग रहा है मुझे, वाइन वाइन का होता हुआ कुछ लग रहा है, इसी तरह का कुछ है ये हुक्के वाइन वगैरह का। बन रही है ना? 1 2 3 कितनी ग्रीनरी है और देखो पेड़ बिल्कुल, और ये देखिए व्यू बहुत अच्छा, मतलब एक पीसफुल जो होती है ना शांति एक जगह वैसी है, एकदम मज़ा आ रहा है, मतलब मन लग रहा है यहाँ पे आके कि हाँ रुक जाएं तो एक दिन। अरे 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 पूरा गया भैया यहाँ तो। बस ये तो उतरेगा नीचे।